गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल है, हम सिर्फ x के वैल्यूज निकालेंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहता है, हम मानेंगे दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड मान ली तो हम लिखेंगे 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। तो जो 2x है वो राइट से जब लेफ्ट में जाएगा ऐसे 3x, तो ये माइनस का बन जाएगा, ये यहां प्लस कर रहे साइड को माइनस हो गया इक्वल टू 18। तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 18। तो हमारे पास इसका आंसर निकल गया। अब इसी का सेकंड पार्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। हमने क्वेश्चन राइट कर लिया, हम अगेन लेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट करने के बाद हम क्वेश्चन को जैसे था वैसे ही राइट करेंगे। हमारे पास अब हम जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स होते हैं जैसे ए बी सी से लेकर जेड, तो यहाँ पे टी वेरिएबल्स हैं। तो 5t माइनस 3t प्लस का इस साइड आके माइनस का हो गया माइनस 5, 3 माइनस का इस साइड आके प्लस का हो गया। तो 3 से जब 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 2t, और ये प्लस का है तो प्लस में आंसर, और प्लस माइनस माइनस हुआ 2 आंसर। तो बड़ी टर्म किस में, माइनस में, तो 2 से 2 कट गया, t की वैल्यू आ गई -1। हमारे पास जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया। हम अब करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 5x+9 इक्वल्स टू 5+3x। हमने क्वेश्चन राइट कर लिया, हम अगेन रिपीट करेंगे वही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट कर लिया उसके बाद आ जाएगा 5x+9 5+3x। जब 3x इस साइड से इस साइड आएगा तो किसको आ जाएगा, वो माइनस का 5 माइनस 9 प्लस का है माइनस का हो गया। हमारे पास आएगा 2x इक्वल टू 9 में से 5 को माइनस किया तो 4 आया, बड़ी टर्म का साइन माइनस, तो x इक्वल टू -4/2, 2 1 2 2 2 4, -2 आंसर। तो हम इसी के साथ अब इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है 4z+3 इक्वल्स टू 6+2z। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन है, तो हम 4z राइट करेंगे, जो 2z है वो प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। जैसे ही माइनस का होगा 3 6 है तो 3 का इस साइड आके ये भी माइनस का होगा, तो आ गया 2z इक्वल टू 3, जेड की वैल्यू आ गई 3/2। तो हमारे पास ये फोर क्वेश्चन थे। जो नेक्स्ट के क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, तो आप अब आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 2x-1 = 14-x। तो तुम लोगों को दोबारा से इस पे x की वैल्यू निकालनी है। इसी के साथ इसका जो 6 पार्ट है ये भी उसी के जैसा है, 8x+4 = 3x-1+7। तो तुम आज हमने ये सारे सिंगल वेरिएबल इक्वेशन के क्वेश्चंस पढ़े, और ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।